तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है जानकारी पर यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मैं हाजिर हूं फिर से एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। अगर दोस्तों आप लोग भी एक किसान हैं और आप लोग भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सातवीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से किसान हैं जिन लोगों के अकाउंट में उनके सातवीं किस्त यानी कि सातवीं किस्त के तहत 2000 रुपये ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। पिछली बार क्या था कि सरकार ने जब भी पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी, पांचवीं, छठी किस्त आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र की थी तो ऐसे ही ट्रांसफ़र कर दी थी। लेकिन दोस्तों इस बार सातवीं किस्त को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं और कुछ ऐसे किसान हैं जिन लोगों को सातवीं किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि किन किन किसानों को सातवीं किस्त के तहत 2000 रुपये नहीं मिलने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को ये पूरी जानकारी समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितनी किस्तों का पैसा मिल चुका है, जिससे कि और भी लोगों को पता चल सके। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को ऐसे ही जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं हिंदुस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पीएम किसान इन किसानों को नहीं मिलेगी सातवीं किस्त, जाने क्यों। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सातवीं किस्त दिसंबर के पहले हफ्ते से आनी शुरू हो जाएगी, और दूसरी तरफ 17,38,061 किसानों के खातों में छठी किस्त के रूप में मोदी सरकार ने पैसा भेजा था पर पेमेंट फेल हो गया था। अगर आपके खाते में भी किस्त नहीं आ रही है तो पहले उसकी वजह जान लें, यानी कि जो पिछली बार सरकार ने पैसा भेजा था उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे किसान हैं जिन लोगों के अकाउंट में उनके पैसे नहीं आए हैं। तो आखिर कौन सी वजह होती है जिस वजह के कारण आप लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि गलतियों का घर बैठे ऐसे दूर करें। अगर आपने आवेदन के बाद भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो अपना रिकॉर्ड चेक कर लें कि कहीं उसमें गलती तो नहीं है। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से ही ठीक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप लोगों को बता दूं कि जो पेमेंट फेल होती है उसके फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। तो बता दें कि फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेट होने के बावजूद भुगतान फेल होने की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आवेदन में लिखा गया नाम आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है या फिर बैंक अकाउंट से नाम नहीं मिल रहा है। मान लेते हैं आप लोगों के आधार कार्ड में कुछ और नाम है, बैंक अकाउंट में कुछ और नाम है, या फिर कहीं पर भी आप लोगों का थोड़ा बहुत भी फ़र्क मालूम पड़ता है तो आप लोगों के अकाउंट में सातवीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। उसके बाद बता दूं आप लोगों को कि आवेदनकर्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो ही आप लोगों के अकाउंट में सातवीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो दोस्तों अब आप लोगों को बता देता हूं कि ऐसे कौन कौन से किसान हैं जिन किसानों को सातवीं किस्त का पैसा नहीं मिलने वाला है। उन लोगों की सरकार ने एक अलग लिस्ट तैयार की है, उन लोगों को अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सातवीं किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है वो लिस्ट जो सरकार ने जारी की है कि किन किन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सातवीं किस्त का पैसा नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10,000 से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आप लोग भी 10,000 से अधिक की पेंशन प्राप्त करते हैं तो आप लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ आप लोगों को बता दूं कि पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान भी इसके लाभ से वंचित होंगे। और आप लोगों को बता दूं कि अगर आप एक डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, वर्तमान या फिर पूर्व मंत्री हैं, या फिर आप लोग मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को स्कीम से बाहर रखा गया है, अगर आप लोग भी इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सातवीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग इसके अलावा भी और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर सरकार ने कुछ टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, यहाँ से आप लोग इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी शिकायत भी कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, जिससे कि आप लोगों की प्रॉब्लम का यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किन किन किसानों को उनके सातवीं किस्त का पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं तुरंत देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।